दोस्तों अपने करेज के लिए जाने जाने वाले विवेक अग्निहोत्री ने फिर से एक बड़ा धमाका किया है। दोस्तों आपको पता है कि उनकी फिल्म अक्सर एक खास मैसेज लेकर के आती है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो या फिर ताशकंद फाइल्स, सबने कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा मैसेज छुपा हुआ था। इसी के चलते लोग भी, वो भी हर एज के लोग, इनकी फिल्म को पसंद करते हैं और देखने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपने जरूर बहुत सारी मूवीज एक्शन देखी होंगी, रोमांटिक और लव से भरी मूवी देखी होंगी, थ्रिलर और विलन से भरी मूवी देखी होंगी, मगर आपको ये जान के खुशी होगी हम विवेक की इस फिल्म में साइंस पर आधारित फिल्म को देखेंगे। अब द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री की मोस्ट अवेटेड फिल्म द वैक्सीन वार का ट्रेलर रिलीज हो गया है। उनकी फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। उनकी फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी। भारत की पहली बायो साइंस फिल्म द वैक्सीन वार का ट्रेलर वैक्सीन के विकास के पीछे भारतीय वैज्ञानिकों के स्ट्रगल को दिखाता है और पर्दे के पीछे कई कहानियों को भी हाईलाइट करता है। इस फिल्म में अनुपम खेर, नाना पाटेकर, सप्तमी गौड़ा, पल्लवी जोशी मुख्य किरदार में होंगे। वहीं पल्लवी जोशी और आई एम बुद्धा ने फिल्म को बनाया है। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी। टाइम स्क्वायर पर लगा पहला गाना ट्रेलर में कोरोना के दौर में वैक्सीन बनाने के पीछे स्ट्रगल को दिखाती है। फिल्म को पल्लवी जोशी ने प्रोड्यूस किया है। इन्होंने द कश्मीर फाइल्स को भी प्रोड्यूस किया था। दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को दुनिया के हर कोने में प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विदेश में स्क्रीनिंग के अलावा फिल्म मेकर ने टाइम स्क्वायर पर फिल्म का पहला गाना सृष्टि से पहले लॉन्च कर दिया था। 28 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। बता दें कि इससे पहले विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सुर्खियों में थे। उनकी इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उनकी फिल्म हिट हुई। फिल्म ने बजट से भी कई गुना ज्यादा कमाई की थी। इसके बाद उनकी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड भी रिलीज हुई थी। इसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है। अब उनकी फिल्म द वैक्सीन वार 28 सितंबर को रिलीज होने को तैयार है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स ने लोगों को कई चीजों से रूबरू करवाया था, क्या ये फिल्म भी कोई गहरी छाप छोड़ पाएगी। दोस्तों ट्रेलर देख के तो लगता है कि ये फिल्म भी धमाल मचाएगी, वो भी खूब। अब इंतजार करते हैं 28 सितंबर को जब ये फिल्म सिनेमा में रिलीज होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।